है, रेट ऑफ डैमेज वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा। ज़ीगोट की अगर बात की जाए यहाँ पर, कोशिश करके जो यहाँ पर गेट कीपिंग सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, बट खुद को भी देखना पड़ेगा कि वो डैमेज ना खा जाए, क्योंकि लिमिटेड लूट है और अपनी लोकेशन को रिवील आउट कराना स्पिरो ये खतरे से खाली नहीं। और ये देखिए यही चीज मैं बात कर रहा था, टीम्स अंदर आ रही है, अभी आपने देखा स्लॉट नंबर 16 में जो टीम आपको नजर आ रही कमिंग सोन, ये गेट कीपर का शिकार होते हैं, वो अकेले खिलाड़ी शायद जाएगा आपको। एंड यही चीज परेशानी होती है जब आप रोटेट कर रहे होते हैं और जोन के बाहर आप फंस जाए, तो वो टीम को फायदा मिलता है जो आपको थर्ड पार्टी कर रही है, जो जोन के अंदर पहले पहुंच चुकी है, और इसी चीज का फायदा उनको यहाँ पे मिलता हुआ। अगर आप बात करें यहाँ पे टीम टपाटप की, तो आई थिंक यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, ज़ीगोट और नॉटी और वॉट यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं, रिवाइवल के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रिवाइवल के लिए आपको जोन के बाहर जाना पड़ेगा। नॉटी और वॉट ने स्पॉट किया डेकू को और सीधा नॉक करके करेंगे गेम से बाहर। ये तो शुरुआत की अगर बात की जाए, टीम्स बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सोच रही थी, एंड टीम टपाटा बिल्कुल एज ऑफ द सर्कल में आपको नजर आ रही, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी उनके आसपास है उनको पहले फिनिश ऑफ करें, उसके बाद अपने बिल्कुल बोल सकते हैं नियरेस्ट जो सामने उनके टारगेट है उनको यहाँ पर फिनिश ऑफ किया जाके। ओ आर की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं स्काईलाइट्स भी हेलमेट हो चुकी है, ओ आर की हम जैसे बात कर रहे थे, अस्पिरो खतरे से खाली नहीं सिचुएशन अगर आप अभी करंटली देखेंगे, उनको दो ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, और जी हाँ गिल भी यहाँ पर अब हो चुके हैं, रिवाइवल उनको मिलता हुआ डेस्ट्रो, तो पांच फिनिश निकालने के बाद अगर आपकी कोई भी कैजुअलिटी नहीं है तो मतलब शुरुआत आपकी काफी अच्छी गई है यहाँ पर। देखिए शुरुआत अच्छी गई है, बट अंत कैसा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए मेन चुनौती यहाँ पे ऑरेंज रॉक, लुक एट दैट ब्यूटीफुल स्प्रे कमिंग इन फ्रॉम गिल। देखिए यही तो खासियत है, ये एक्सपीरियंस है, स्कारल के साथ 4x का स्प्रे इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा शेक करती है आपकी गन, बट उसके बावजूद वहां पे काफी अच्छा स्प्रे दिया, नॉक करा। TSMFTX निंजा ने भी यहाँ पे वैक्सी को नॉक कर दिया है, और TSMFTX यहाँ पे एक साथ मल्टीपल फाइट्स में एंगेज होती नजर आ रही है आपको। यस मल्टीपल स्पिरो नो डाउट, ये तो छोटा सर्कल है तो मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, बट आपके प्लेयर्स को भी बांटना पड़ेगा यहाँ पर कि आप किसके साथ फाइट एंगेज करें, क्योंकि इस सिचुएशन में मल्टीपल फाइट वो भी मतलब डुअल स्प्लिट में अगर कर लेते तो वेल एंड गुड है उनके लिए, 6 फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और सामने भी जो चैलेंज है वो है GXR के रूप में, मतलब GXR का जो टारगेट अभी जो चल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर उनके लिए। देखिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, बट मेरे ख्याल से सबसे अच्छी पोजीशन अगर किसी टीम की है तो वो है TSMFTX की। चारों प्लेयर्स अंदर 7 फिनिश निकाल चुके हैं, और निंजा का ये एक शानदार नेड आता हुआ काफी डैमेज देगा वहां पे, और गिल को कर दिया जाएगा नॉक। FNLS के रायर भी यहाँ पे और के डेस्ट्रो को टेकडाउन करेंगे, तो शुरुआत तो यार काफी अच्छी हुई है, जोन का सेंटर भी मिल चुका है। आई थिंक यहाँ पे TSMFTX काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है मुझे। यस चार टीम्स बची हुई है, 11 खिलाड़ी अलाइव, शेडो ये जो लोकेशन जो होल्ड करके बैठ रखी है यहाँ पर TSMFTX, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेडो की लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर उनके पास एक अच्छी हाइड एडवांटेज है और बहुत सारे जो प्लेस है उनको स्पॉट आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लेज सही वक्त पे हाइड हुए, अदरवाइज टपाटप के जो खिलाड़ी उनको फिनिश ऑफ कर सकते हैं, ज़ीगोट उनके सामने जरूर है, और ब्लेज टाइमिंग स्पिरो मैटर करती है, शायद ग्रेनेड पहले ही फेंक देते तो शायद अभी फिनिश या फिर नॉकआउट उनको सबसे पहले मिल जाता उनको। यस और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉटी और वॉट, यानी आपके सामने जोनाथन अभी भी बचे हुए हैं, 6 फिनिश ये टीम निकाल चुकी है, और अगर मैं अगर दूसरी तरफ अगर बात करूं, अगर आप देखेंगे अभी भी है खिलाड़ी, चाहे वो एक खिलाड़ी भी क्यों ना बचाओ, कोशिश है उसकी तरफ से कि वेट थोड़ा सा किया जा सके, थोड़ा सा इंतजार है, स्मोक वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मुश्किल होगा यहाँ पर बचना उनके लिए भी। बिल्कुल यहाँ पे गेम जो मुश्किल उनके लिए हो सकता है, बट अभी भी स्प्रे किया जा रहा है, निंजा यहाँ पे बचे हैं, ब्लेज को गवा चुके हैं, 3-3 अभी भी यहाँ पे जिंदा है, अच्छा नेड आता हुआ, शैडो की डैमेज जाएगा आगे। अगर ज़ीगोट की बात करें उनका यहाँ पे कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं इंपॉर्टेंट है, स्मोक यहाँ पे किया आपने आपको कवर में लेके गए, एक्विनॉक्स अपने आपको हील कर रहे हैं, 3 फिनिश निकाल चुके हैं, 4 टीमें 10 प्लेयर्स यहाँ पे बच चुके हैं, और जोन बहुत छोटा है, यहाँ से सर्वाइवल काफी मुश्किल होगा, बट निंजा की स्मार्टनेस देखिए वहाँ पे, स्मोक करा एक अच्छा पोजीशन उन्होंने ऐसा हायर एंगल पकड़ा है जहाँ से वो स्पॉट कर सकते हैं, अपोनेंट उनको स्पॉट नहीं कर पाएंगे, एंड ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना आपको बहुत फायदा देती है। FNLS के नाइट और FNLS के रायद यहाँ पे आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, और वो भी धीरे धीरे करके प्रोन हो गए जोन में एक अच्छी पोजीशन की तलाश में, जोन अब बहुत छोटा हो चुका है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से जिस टीम को फायदा मिल रहा है वो है टीम टपाटप। दो ही प्लेयर बचे हैं, बट यार हम जानते हैं इनकी फायर पावर बहुत निराली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जोन का एडवांटेज को फिनिशेस के एडवांटेज में बदल पाएंगे। हाँ यस स्पिरो वही चीज़ है, फायदे में मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मौके का फायदा नहीं उठाएगा तो फिर तो कोई और टीम, तो और सभी एक से बढ़कर एक टीम है, उनको पता है कि वो छोटा सा भी एक आपको चांस मिल जाए तो कन्वर्जन अपने फेवर में करे, और वही चीज़ अभी करते हुए नजर भी आ रहे खड़े, लेकिन किसको फेवर करता है एट लास्ट वो देखने वाली बात है अभी के लिए।
बिल्कुल, अभी के लिए रैयद को भी मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉक कर दिया गया और सीधा उनको फिनिश भी कर दिया जाएगा। टीएसएम एफटीएक्स एक्वानॉक्स वहाँ पे नॉक पड़े हैं। रिवाइवल में देखना चाहूंगा उनको मिल रहा है या नहीं। जी नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा, बट पास आ चुके हैं। शायद अगर यहाँ पे एक और स्मोक करेंगे, जी हाँ एक और स्मोक करके वो रिवाइव भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी गॉड इज लुकिंग रियली रियली गुड। यार इस प्लेयर की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और बिल्कुल कोई डर नहीं है। दो प्लेयर दो टीम बची है एंड लुक एट दैट एफर्ट कमिंग इन फ्रॉम टीम टबडप। एस्टोनिशिंग एस्टाउंडिंग सरप्राइजिंग बीवलिंग स्टनिंग स्टैगरिंग शॉकिंग एंड ब्रेथ टेकिंग एफर्ट कमिंग इन फ्रॉम टीम टबडप। हाँ, लास्ट मोमेंट स्पिरो, दो ही उनके यहाँ पर खिलाड़ी बचे थे, बट ये यही तो एक खासियत है, टीम्स की कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखा दी है पहले ही गेम में। टीम टबाटप यहाँ पर चिकन डिनर अपने नाम करते हुए, सो इससे बेहतरीन शुरू एंड कुछ भी हो सकता है कि आप अभी नीचे जरूर